अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह महाना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख तक भी महाना इजीली कमा सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है और जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा आपने हर एक स्टेप को फॉलो करना है और कोई स्टेप मिस नहीं करना। मैं आपको आज पूरी डिटेल में वीडियो बताऊँगा कि किस तरह आपने पैसे कमाने हैं और ये मेरी गारंटी है कि पैसे आप कमाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, आपको फुल गाइड करूँगा कि आपने किस तरह पैसा कमाना है। चलें दोस्तों, ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको पेमेंट प्रूफ दे देता हूँ कि ये आप ये ना समझें कि पैसे नहीं मिलते। तो पेमेंट प्रूफ से ये होगा कि आपको यकीन हो जाएगा कि भाई पैसे मिलते हैं, फिर आप काम स्टार्ट कीजिए और जैसे ही आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलें लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलें दोस्तों, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है यूट्यूब, मैंने ओपन किया है और यूट्यूब में मैंने लिखा है कि कार्टून फॉर लिटिल किड्स। जैसे ही मैंने सर्च किया है, ये देखें इस पे ये ऑप्शंस आ गए हैं कि ये देखें 3.2 बिलियन व्यूज़ 4 ईयर्स अगो, 1.6 बिलियन व्यू, 1.4 बिलियन, 48 मिलियन व्यूज़। दोस्तों ये देखिए कि किसी में भी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज़ नहीं है, ये 600 मिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन है। देखिए 554 मिलियन, 544 मिलियन, 533 मिलियन, 529 मिलियन। दोस्तों ये देखें 511, 476 मिलियन। ये क्या है कि कार्टून वीडियोस हैं। कार्टून वीडियोस वो होती हैं जो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं और एक ही वीडियोस को 100 दफ़ा देख लेते हैं। और दोस्तों ये टेंशन नहीं लेनी कि इस पर पैसे नहीं मिलते। आप किसी वीडियो को भी ओपन करेंगे तो इस पर एड्स ओपन होने लग जाएंगे। अब मैंने लेट्स सपोज एक ये चैनल करता हूँ, कोको मेला नर्सरी रैम्स, देखें 149 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इसके 5.8 बिलियन, 4.7 बिलियन, 3.4 बिलियन इस तरह व्यूज़ हैं। एक मैं आपको एक और चैनल दिखा देता हूँ, देखें किड्स डियाना शो, इस पर भी आप देख सकते हैं कि 105 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 2.4 मिलियन व्यूज़ हैं, 1 डे अगो है। देखें जी, एक दिन में 2.4 मिलियन, ये इसने एक दिन में कितना पैसा कमाया होगा ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इस तरह मैं एक और वीडियो ओपन कर लेता हूँ, इसको देखिए, देखें 1.14 हज़ार व्यूज़ हैं 10 आवर, 58 के 3 डेज़। ये थोड़ा कम चैनल है, 9.8 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी एक वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और बाकी पे नहीं, नहीं बल्कि इस पर सब वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे। दोस्तों अब मैं सबसे पहले लिटिल ट्री का आपको बताता हूँ कि इसकी अर्निंग डेली कितनी है। देखें मैंने सोशल ब्लेड पर ओपन किया है, इसकी अर्निंग है, एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है $38,000। $38,000 को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये $38,000 आपकी सोच से भी ज़्यादा है कि कितने हैं। और किड्स इसका देखें तो $3,045,000, $3,045,000 रुपए नहीं है, ये डॉलर हैं, ठीक है। और इसका देखें $657,000 हैं, ये कोको मिलन है, ठीक है दोस्तों। अब ये देख लें कि इस पर कितना रेवेन्यू है। अगर मैं आपको कैलकुलेटर भी करके दिखा दूं कि कितने व्यूज़ आते हैं, अगर मेरे किसी एक वीडियो पे भी इतने व्यूज़ आ जाएं तो मैं तो दोबारा कभी वीडियो ही ना बनाऊं। अब ये देखें कि मैं पहले सबसे पहले इसका आपको बताता हूँ, $38,000, $38,000 को अगर मैं करूं, ये देखें 38,000 मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर करूँ तो 240, ये देखें 9 करोड़ 12 लाख बनते हैं, ये इसकी एक महीने की है, 9 करोड़ 12 लाख, ये सिर्फ 38,000 पे है। अगर मैं किड्स वाले को देखूं तो ये देखें $3,45,000 हैं, तो $3,45,000 भी आप देख लें कितने बनते हैं, 240 से मेरे ख्याल से तो 1 अरब से ज़्यादा ही गेम बन जाएगी। ये देखें 82 करोड़ बनते हैं, 82 करोड़ 80 लाख, ये एक मंथ की इसकी अर्निंग है। अब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप ये ना समझें कि इस पर मोनेटाइज नहीं होगा या कुछ होगा, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। आपने जस्ट ये करना है कि जब वीडियो अपलोड करनी है तो मेड फॉर किड्स नहीं रखनी, क्योंकि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जहरी बात है उनका आईडी तो नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से ही देखते हैं, तो उस पर एड्स आएंगे और उस आपको इस पर पैसे भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने ऐसी वीडियोज़ बनानी कैसी हैं, ठीक है, आपको शुरू से लेकर एंड तक बताऊँगा। इसमें मोबाइल से ही बनाएंगे हम, लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको अर्निंग और पेमेंट प्रूफ दिखा रहा था सारा कुछ, तो आपको मोबाइल पे बहुत ही आसान सा तरीका बता देता हूँ। आप फॉलो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वैसे ही आप कार्टून्स बनाएंगे और अपने चैनल्स को ग्रो करेंगे, और आपका एक दफ़ा चैनल ग्रो हो गया तो आप
कि हर वीडियो पे व्यू आएंगे पहले दिन से ही, ये नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, पहले दिन से ही व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें दोस्तों, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और इसमें सर्च करना है पोस्ट मैक्स। इसकी हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने पहले इंस्टॉल कर रखी है, तो आपने भी इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, इसमें कुछ एनिमेशंस हैं, करेक्टर्स हैं, जिसे हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने लेफ़्ट किया, राइट किया, इसका ये पूरा करेक्टर है, 3D एनिमेशन है, इसे छोटा बड़ा ऊपर नीचे हर जगह से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें बहुत से करेक्टर्स हैं, ये कस्टम बिल्ड्स हैं, कुछ कुछ इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ये पहले से ही बने हुए हैं। ये देखें, अगर हम ये कार्टून यूज़ करना चाहें तो इसको कार्टून को यूज़ कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, इसमें बहुत से एनिमेशंस भी हम चला सकते हैं, इसका हमें कोई इशू नहीं आएगा। अब ये जो है इसके हम कस्टम कर सकते हैं। देखिए, इसके मैं लेग छोटे कर सकता हूँ, बाजू छोटे कर सकता हूँ, बड़ा इसकी हाइट छोटी कर सकता हूँ, इसको मोटा कर सकता हूँ, इसका बैली इंक्रीज़ कर सकता हूँ, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसा चाहूँ मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, बॉडी का कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी आइज़ चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने अब इसके लेग्स, आर्म्स आर्म्स इसके थोड़े छोटे किए हैं, ये देखें छोटे हो गए हैं। ये जैसा मुझे करेक्टर चाहिए होगा ये मैं वैसे बना सकता हूँ, और मैं इसे अपने कार्टून या जो मैंने स्टोरी कार्टून की बनानी है उसमें यूज़ कर सकता हूँ। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पोस्ट मैक्स में आप हर तरह का काम कर सकते हैं। पोस्ट मैक्स में ये हमें एप्लीकेशन फ्री प्ले स्टोर से मिल जाती है, और इससे हम अपनी स्टोरी कार्टून जो भी बनाएंगे वो हम इससे पोस्ट मैक्स के करेक्टर से ही बनाएंगे। ये आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और इससे आपको मैं ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाले करेक्टर्स को हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे पहले से ही बना हुआ करेक्टर, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप भी समझ जाएंगे। आप चाहें तो इसको करेक्टर्स को देखें, मैंने इसकी लेग्स बड़ी कर दी हैं। ठीक है, आप इसी तरह बड़ी लेग्स वाले को भी चार्ज ले सकते हैं। अब मैं इस कोई करेक्टर पहले से बना हुआ ले लेता हूँ जो पहले से ही बिल्ड है। देखें, ये फौजी का है, ये कराटे वाला भी आ गया है, गर्ल्स का भी है, कार्टून्स का भी है। मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम कैसे ये कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये कर लेता हूँ कि ये फौजी वाला का करेक्टर एक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ या ये वाला ले लेता हूँ, देखते हैं हमें कौन सा अच्छा लगता है, फिर हम वही वाला ले लेंगे। आप चाहें तो अपने अगर कोई और करेक्टर लेना चाहें अपनी स्टोरी के लिहाज से ले सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं इसकी एनिमेशंस पे जाऊंगा, एनिमेशन पे क्लिक किया तो ये देखें, ये स्टाइल एक आ गया, ये इस तरह आ गया, क्राइंग वॉकिंग कैट वॉक है। अब देखें, ये लड़की कैट वॉक में कर रहा है, अगर लड़की का करेक्टर होता तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ और यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज ये क्रॉलिंग है, ये फास्ट क्रॉलिंग है, ये क्लैपिंग है, जो हमने स्टोरी बनानी है उसी हिसाब से ही हम इसे यूज़ कर लेंगे। जैसे कि दो करेक्टर होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कुछ भी इस्लामिक या रिलीजियस या फनी या कुछ भी, हम उस लिहाज से लेंगे। लेट्स सपोज मैं ये क्रॉलिंग का ले लेता हूँ। क्रॉलिंग में हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट से राइट, यानी कि इस तरह क्रॉलिंग करें। अब मैंने करना कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट रिकॉर्ड कर लूँगा ये क्रॉलिंग इसकी, और इसे मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लूँगा। अब ये देखें, ये राइट क्रॉलिंग कर रहा है, मैं राइट क्रॉलिंग नहीं लेता, मैं लेफ़्ट टू राइट लेता हूँ। अब मैं और देखें, ये हेड शेक कर रहा है, बहुत से करेक्टर है, ये कुछ मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट की भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आपने आ जाना है, एक और एक ऐप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है इमेज सर्च मैन। आपने इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, आपको इजीली मिल जाएगी। मैं कार्टून बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसमें सर्च करता हूँ, तो मैं वाईफाई बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एड्स बहुत आती हैं, इस वजह से मैंने बंद किया हुआ था वो पोज मैक्स। अब मैंने नेट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इमेज सर्च मैन में नेट ऑन कर लिया है। जैसे मैंने ऑन किया है, ये देखें दोस्तों, अब मैं इसमें से कोई भी करेक्टर यूज़ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसमें बहुत से बैकग्राउंड है, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सर्च कर रहा हूँ एक ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा और मैं इसे यूज़ कर सकूँगा, और मैं वो वाला करेक्टर जो क्रॉलिंग कर रहा था उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी लेट्स सपोज मैं एक और भी ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, दो यूज़ कर लेता हूँ, दो करेक्टर
डाउनलोड कर लेता हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो वाला। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके एक एनिमेशन बनाएंगे। अब ये वो कह रहा है कि थोड़ा वेट करो, इंटरनेट कनेक्शन का एरर, चलेंगे डाउनलोड हो गया। जैसे ही डाउनलोड होगा तो हम अपनी एक और ऐप पे जाएंगे, वो है काइन मास्टर। इन तीन ऐप्स की हमें ज़रूरत होगी और तीन ऐप से हम पूरा एनिमेशंस बना लेंगे। अब ये ओपन हो गया, मैं इंटरनेट चाहें तो आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एड्स आएंगे। ठीक है, अब मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही क्रिएट करूँगा, ये वाला पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ये न्यू प्रोजेक्ट किया 16x9 करना है आपने, ठीक है, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही ये आपके पास इस तरह से आए तो आपने सबसे पहले बैकग्राउंड में वो ले लेना है, क्या कहते हैं, जो हमने बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड किया है वो ले लेना है, और इसको हमने अपनी एड मीडिया से करके ना कर लेना है। जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। देखें, ये एनिमेशन भी मूवमेंट है, गिफ एनिमेशन है, तो ये इस तरह मूव कर रहा है। तो के इमेज का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ही आप जितने सेकंड का रखना चाहें रख सकते हैं। लेट्स सपोज 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी रख सकते हैं। मैंने 15 सेकंड रख लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अपने पोस्ट मैक्स पे आऊँगा। पोस्ट मैक्स में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, पोस्ट मैक्स पे आ जाऊँगा। पोस्ट मैक्स में दोबारा से रिस्टार्ट हो रहा है, चलें कोई बात नहीं। तो मैं दोबारा से वही करेक्टर ले लेता हूँ जो मुझे करेक्टर चाहिए। अब मैं वो करेक्टर सर्च करूँगा। लेट्स सपोज मुझे ये आर्मी वाला बंदा चाहिए था, क्रॉलिंग वाला, हम क्रॉलिंग करेंगे। ठीक है, अब ये वाला बंदा मैं ले लेता हूँ, इसे क्रॉलिंग करवा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से ऊपर से एनिमेशन सेलेक्ट करूँगा कि ये वॉक करे, जंप करे, या जो भी करे। तो अभी मैं इसकी क्रॉलिंग देखता हूँ कि भाई क्रॉलिंग मुझे कहाँ से मिलेगी। ये देखें, ये क्रॉलिंग कर रहा है, ये टॉप लेफ्ट कर रहा है, ये तो फ्लाइंग कर रहा है कुछ इस तरह। मैं कुछ और देखता हूँ, रनिंग वाला या कुछ और। तो ये मैं ऊपर से सर्च कर रहा हूँ, आपको भी सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टोरी जो बनाएंगे उस लिहाज से ही आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको बस ये करना है, ये बहुत ही इजी काम है, कोई ये पेड एप्लीकेशन भी नहीं है, फ्री में है। आपको तीनों एप्लीकेशन फ्री में मिल जाएंगी, और आप डेली अगर एक वीडियो भी डालते हैं ना तो आपको पहले दिन से ही व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने बस ये करना है कि या लोगों की जो जैसे वीडियो बनी होती है वैसे बना लेनी है, या अपना कोई स्क्रिप्ट है तो वैसे कर लें। अब देखें, क्रॉलिंग है, मैं एक क्रॉलिंग ले लेता हूँ और मैं इसको स्टॉप करता हूँ, रिकॉर्ड पे क्लिक करके इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग जो है मैं 10 एक सेकेंड की ले लूँगा, ताकि वो इस तरह से करता रहे क्रॉलिंग ना, जो मुझे आगे यूज़ हो जाए। जैसे 10 सेकेंड होंगे तो मैं स्टॉप कर दूंगा, ये मेरी फ़ोटो एल्बम में सेव हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, काइन मास्टर में जाऊँगा। काइन मास्टर में जाके अब मैं इसे लेयर्स पे क्लिक करूँगा, लेयर्स में मीडिया में, और मीडिया पे ये जो देखें ग्रीन में मेरे पास स्क्रॉलिंग आ रही है, मैं इसको ऐड कर लूँगा। ये ऑप्शन ओके कर देना, इसका कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसको क्रॉप कर लूँगा, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, क्रॉप की ऑप्शन होगी। क्रॉप पे ये होगा कि मुझे थोड़ा सा ऊपर से बहुत ज़्यादा फजूल का चीज़ें हैं, वो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये मैं इसको बराबर कर दूंगा, ठीक हो गया। अब मैं इसको बैक करके क्रोमा की होगी, क्रोमा की में आपने जैसे इसे इनेबल कर देना है, वो ग्रीन बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा और ये आपका इस तरह का सेम टू सेम आ जाएगा। दोस्तों, इसको मैं पहला पॉइंट है कहाँ से ये क्रॉलिंग करेगा। अब मैं इसको चाहता हूँ कि स्टार्ट से क्रॉलिंग करे, यहाँ से आए इस लूमड़ी के पास, और लूमड़ी के पास आके कुछ हम और एक्टिवेशन इसकी कराएंगे। ठीक हो गया, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो, लूमड़ी को हमने जाके मारना है। ठीक है, यहाँ से क्रॉलिंग करके आएगा और वो फाइट ऐसे मारेगा। आप चाहें तो अपनी वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने इस पर क्लिक करना है, ये चाबी का निशान देखें। अब ये चाबी के निशान पे ये आपको पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, आपने इसे थोड़ा सा आगे करना है फ्रेम को, और चाबी के क्लिक पे करना है, और इसे थोड़ा सा आगे करते जाना है। ठीक है, जैसे ही थोड़ी सी ये फ्रेम आगे करेंगे, और वहाँ से भी थोड़ा सा आगे कर देना है। अब मैं इसे थोड़ा सा ये फ्रेम आगे करूँगा और उस करेक्टर को आगे करूँगा। इसी तरह मैं लूमड़ी तक पहुँचने तक इस तरह थोड़ा थोड़ा फ्रेम को आगे करूँगा, और मेरे अपने एनिमेशन को भी वहाँ से आगे करूँगा। आप चाहें तो तेज़ भी कर सकते हैं, फास्ट भी, स्लो भी, जैसे भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ कि एक एक क्रॉलिंग पे एक एक स्टेप आए, इसलिए मैं बराबर बराबर लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्रेम को आगे करता हूँ और वो करता हूँ। आपने जस्ट एक दफ़ा चाबी को दबाना है तो वो ऑटोमेटिक ही इस तरह होता जाएगा। अब देखें, जब तक लूमड़ी तक नहीं जाता, मैं इसे ऐसा ऐसा आगे लेता जाऊँगा। इसलिए मैंने ऊपर वाले इमेज को, बैकग्राउंड को बहुत 15 सेकेंड का लिया था,
कि हमारे पास कुछ एनिमेशन 10-15 सेकंड की बन जाए। आप चाहें तो इस पे बैकग्राउंड वॉइस पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, वो आपकी रिकॉर्डिंग इस तरह आती जाएगी। रिकॉर्डिंग में लोमड़ी को बुला दे, चल मेरे पास आ, इस तरह कुछ भी, आप स्क्रिप्ट आपका होगा। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे आगे लेता जा रहा हूँ और वहाँ से उसे मैं आगे करता जा रहा हूँ। ठीक हो गया, अब बिल्कुल हम लोमड़ी के पास पहुँच जाएंगे तो हम इसे की को ख़त्म कर देंगे। अब ये हम इधर मोस्टली पहुँच ही गए हैं, ये बस दो तीन और। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ना, करेक्टर को ही बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाके इसको करेक्टर को फुल बड़ा कर देंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि बाकी जो हिस्सा बच गया है रिकॉर्डिंग वाला एनिमेशन का, उसको स्प्लिट करके इसे रिमूव कर दूँगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कर दी थी। अब इसको अगर हम प्ले करें तो अब ये देखें वहाँ से ये स्क्रॉल करता हुआ आएगा। आप चाहें तो पीछे रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, देख रहे हैं जैसे ही वो आ रहा है उधर स्क्रॉल करता हुआ आ रहा है, ये इधर आके ये गायब हो गया, क्योंकि आगे वो कोई एनिमेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब गायब होगा तो हम पोज मैक्स से एक और ले लेते हैं करेक्टर, इसी का ही, जिसमें वो इस लोमड़ी को मारेगा। अब इसमें फाइटिंग वाला देखते हैं कि कहाँ पर है, कोई किक या मुक्का या कुछ भी, जिसमें हम देखेंगे कि ये फाइट करे और इसको मारे। और लोमड़ी आप चाहें तो, ये तो बैकग्राउंड पे लोमड़ी आ रही है, आप चाहें तो यहीं पे एक और करेक्टर भी ले सकते हैं जहाँ पे लोमड़ी मार खाए और रोने लग जाए, वहाँ पे आप कुछ बोल भी सकते हैं, ये तो बैकग्राउंड में है इस वजह से वो होगा। अब ये देखें ये लेफ़्ट पे क्लिक, राइट पे भी नहीं, हमने लेफ़्ट से, हाँ ये वाली क्लिक मारना चाहेंगे। हम इसे स्टॉप करके एक दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। देखिए मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, एक क्लिक हमें बहुत काफ़ी है। अब मैं इसको दोबारा काइन मास्टर में जाऊँगा, ये देखें अब काइन मास्टर में लेयर में जाके दोबारा मीडिया में जाऊंगा और ये वाली एनिमेशंस को भी ऐड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा सेम वैसे इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे ऊपर नीचे से, जैसे मैं क्रॉप करूंगा ये देखें ये क्रॉप कर लूंगा, और क्रोमा की इसे दोबारा जैसे पहले वाले का किया था वैसे ही हम इसको गायब कर देंगे, क्रोमा के इनेबल करेंगे तो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लोमड़ी के बराबर कर लेता हूँ ताकि लोमड़ी को किक तो लगे, असल में ये लोमड़ी को किक नहीं लगेगी क्योंकि ये इमेज का बैकग्राउंड है। अगर हमें किक वाकई में मरवानी है तो हमें एक और करेक्टर, कोई लड़की या कोई और लेना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे वो किक खा के रोने लग जाए, ये करेक्टर बनाने है। अगर आप इस तरह की वीडियो को स्क्रिप्ट है तो आप बना के इस तरह से आज से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपका 15-20 मिनट लगेंगे और आपकी एक वीडियो तैयार हो जाएगी और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ होंगे, बच्चे बहुत शौक से देखते हैं ऐसी वीडियोस ना। अब ये देखें दोस्तों मैं ज़रा प्ले करके देखता हूँ कि यहाँ पे आएगा ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये देखें एक किक ये मार दी उसने। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि थोड़ा सा पीछे करके इसको सेट कर लेता हूँ कि एक किक लगे, क्योंकि यहाँ हमने दो किकें रिकॉर्ड की थी। आप चाहें तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर एक में करेंगे तो बिल्कुल उसके बाद आ जाएगा, दो में दूसरी लेयर में लेके आएंगे तो वो थोड़ा सा इस तरह ओवरलैप होगा, आप चाहें तो एक ही में कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का इफेक्ट आए कि वो इस तरह से जैसे ब्लर होके आता है ना वैसे आए। तो अब इसको हम प्ले करते हैं, ये देखें ये आया और ये इसने किक मारी, एक किक मारी, ये दूसरी किक मारी। ठीक हो गया, मैं चाहता हूँ कि एक किक ही मारे, एक किक के बाद ये एक किक मारी, यहाँ पे रोक के मैं इसे कट कर लेता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट पे इसे बाकी वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को भी मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि इमेज बहुत बड़ा है, वो अब ये आएगा किक मारेगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये देखें, अब आप चाहें तो इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। दोस्तों आप इस तरह की डेली एक वीडियो बनाएं, आपका चैनल ग्रो होगा और आप लाखों में कमाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप नहीं कमा सकते आप मुझे इस तरह की वीडियोस बना के दें, मैं आपका चैनल ग्रो करूँगा। अगर आपको चैनल बनाना नहीं आता, मेरे चैनल पे वीडियो है वो आप उस तरह बना सकते हैं, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।